दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप अपने वोटर कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है आपके वोटर कार्ड के एपिक नंबर की। अगर आपके पास एपिक नंबर नहीं है तो आप अपने वोटर कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसी का प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आप भी अपने वोटर कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं और आपके पास आपके वोटर कार्ड का एपिक नंबर नहीं है तो आप अपना एपिक नंबर किस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको गूगल पे जाना होगा और आपको सर्च करना होगा nvsp.in, या फिर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। उस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये वेबसाइट दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपना एपिक नंबर जानने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सर्च इन इलेक्ट्रोल रोल। इस पर आपको यहाँ पर टैप कर देना है। चलिए मैं इस पे यहाँ पे टैप कर देता हूँ। जैसे आप इस पे टैप करेंगे आपके सामने एक इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, विवरण द्वारा खोज और पहचान पत्र क्रमांक द्वारा खोज, यानी कि एपिक नंबर के द्वारा खोज। एपिक नंबर के थ्रू यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि एपिक नंबर ही तो हमें जानना है, इसलिए आपको इसको विवरण द्वारा खोज पे ही रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम डालने का ऑप्शन मिलता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम डाल देना। चलिए मैं यहाँ पर अपना नेम टाइप कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर्स या हस्बैंड का नाम टाइप करना है। चलिए मैं यहाँ पर फादर नेम भी दे देता हूँ। अब इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है उम्र या जन्म तिथि का, तो यहाँ पर आप चाहे तो अपनी उम्र भी डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं। चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ईयर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद मंथ सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको डे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे की साइड ऑप्शन मिलता है जेंडर का, तो यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। तो चलिए मैं यहाँ से जेंडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करना है, यानी कि अपना प्रदेश सिलेक्ट करना है। तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, यानी कि अपना जिला आपको सिलेक्ट करना है। चलिए मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ से सिलेक्ट कर ली। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सिलेक्ट करना है। चलिए इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे दो निर्वाचन क्षेत्र लगते हैं, तो चलिए मैं श्योपुर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना और यहाँ पर आपको एक कैप्चा फिल करने को दिया गया है, तो इस कैप्चा को आपको इसी तरह से फिलअप कर देना है जैसा कि इसमें आपको दिया गया है। चलिए मैं यहाँ पे इसको फिल कर देता हूँ MXZ, और इसके बाद आपको खोजे यानी कि सर्च वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे आप अपनी डिटेल डालकर यहाँ पे सर्च करेंगे तो नीचे की साइड आप देख सकते हैं कि आपको आपके वोटर कार्ड की पूरी डिटेल यहाँ पे दिखा दी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की साइड आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाई दी जाती है, आपका नाम, आपका एड्रेस वगैरह, पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर आपको एपिक नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया। अगर आप अपने वोटर कार्ड की पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको व्यू डिटेल का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपका वोटर कार्ड की पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल मेरे सामने यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ से आप अपना एपिक नंबर भी ले सकते हैं और इस एपिक नंबर की हेल्प से आप चाहे तो फिर अपना वोटर कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अगर अपना एपिक नंबर जानना चाहते हैं अपने वोटर कार्ड का, तो इस प्रोसेस से इजिली जान सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।